अब सारी सभा में वो द्रौपदी बाजी बाजी हंडी भीष्म से भी प्रार्थना करी, धृतराष्ट्र से भी, विदुर की किसी ने कोई बात नहीं सुनी, पहले अपने कुंबे के मुंह में फंसी रही, बाजी बाजी हंडे गई, लेकिन पार नहीं बसाई। वो दुर्योधन नहीं मानता, सबको धमकाता रहा और चीर खींचता रहा, वो गाड़ी करने के लिए चीर खींचना चालू कर देता है तो हार थक के वो द्रौपदी जब टुकड़े भी पार नहीं पड़ी तो कृष्ण भगवान का ध्यान धरती है। हे कृष्ण जी, आड़े मेरा कोई नहीं से, तू ये मेरी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। और किस तरह से उस स्तुति करती है कृष्ण भगवान की, और क्या कहती है क्या बता रहा। नो बोली के रखियो, ओए रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से नपाए, ये रखियो रखियो जी, ये रखियो रखियो जी, लाजे हमारी कर से नपाए। देखे गज और ग्राहा लड़िए दल भीतर, गज हरि नाम पुकार गए, गज और लड़िए दल भीतर, ओए गज की तेरी सोनी रघुनंदन, ओए मंदिर के पार पधारे के पकड़ी, ओ पारे जी के पकड़ी, ओ पारे जी खरी लीला है न्यारी, भरी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा, भरी सभा में दुष्ट सत्ता में करो मेहर का फेरा, जज गऊ का बच्चा सुन के ठहरा, ओए बैसा बंधन मेरा के केरा, तेरा की के केरा, तेरा भी सच्चा गैरदा, कि हे भगवान, जब भी भीड़ पड़ी है भक्ता पर, हरदम तेने अपने भक्तों की सहाय करी है, मदद करी है, जब भी जिसने आप पुकारे हो वहीं पर खड़े पाए हो, फिर हे भगवान आज इस अपनी भगतनी की पुकार सुनने में इतनी देरी क्यों, मैंने कितनी देर होगी मैं पुकार रही हूं और अब तक आप नहीं आए, कैसे। ये कहते हैं कितने तय बड़े बड़े का मान घटा, ये दुर्योधन चीज क्या है, क्या कहा क्या बताया। तन धर्म जी का मान घटाया, तेरा नाम कन्हैया लाल, धर्म जी का मान घटाया, नाम कन्हैया लाल, ओए नाग नथा जब ओए कृष्ण कवाए, ओए गऊ चराई को पल्ला ममला, केरु जी के माला, केरु जी चुके दासी मथारी, कर सैन प्यारे, रखियो 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 जी, रखियो रखियो जी, लाजे
केतन जिसते भी प्रीत करी वह सच्ची करी। वो बचपन की बातें भी याद दिलाती है कि हे भगवान तनत है गरीब द गरीब और अमीर द अमीर जिसका तेरे पर ध्यान देता वो पार उतार दिया। आज मेरे पास आने में इतना विलोम क्यों कर रहे हो? क्या कहा, क्या बताया? तेरे बालक अपन के यार सोदामा लक्ष्मी चंद कह भाई, तेरे बालक अपन के यार सोदामा लक्ष्मी सरानी के चावल खाते सरानी के चावल खाते कोई अच्छी प्रीत नाई के पाई पाई जी के पाई पाई जिया पक्की धारियारी भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं द्रौपदी के याद करने पर दुशासन चीर खींचता रहा और भगवान श्री कृष्ण चीर को बढ़ाते रहे द्रौपदी को। अब थक जाते हैं पसीने में पसीना हो जाते हैं लेकिन द्रौपदी चीरों के ढेर लग जाते हैं तो द्रौपदी कहती है भगवान इतनी देर क्यों लाई? जो बोला द्रौपदी मदद तो नहीं याद देना कर तू अपने कुर्बे के मुंह में फंसी हंडे गई हो मेरा ताय सरा पीते सरा जेठ पति मेरे हर ना तो मत आ रहे ना खड़ा था तू कह भेज पालू हर तने याद करा मैं आ जा। इसलिए इस किस्से में ये आखिर में निचोड़ लकड़ा के जो भी भगवान का भजन करता है उस श्री कृष्ण के पर जटता है उसके नाम पर वो सबकी सहाय करते हैं। तो सदनो गोपी चंद ने अपनी माँ को बहुत समझाया पर गोपी चंद की माँ मैनावंती नहीं मानती तो रस्ते में चलता चलता गोपी चंद अपनी माँ मैनावंती को न्यू करने लग गया। एरी बने बनाए खेल न मातू आप खोवेगी अरे एक लाल से मातारी फिर पाछे ते रोवेगी। मिर्च में चूंगे रे गाम आगी किस बैरी के काम आगी किस बैरी के काम अरे लागे सूड़ी तेरे पाम लागे सूड़ी तेरे पाम जे काटे पो ठिकाने राख ध्यान ने इब तू भूली फिरे ज्ञान ने इब तू भूली फिरे ज्ञान ने अरे गोपी चंद की ईशान ने री गोपी चंद की ईशान ने फिर कित टोवे गन में आवे ख्याल बतेरे मन में आवे ख्याल बतेरे मन में अरे लगे उचटी ये तेरे तन मेरी लगे उचटी तेरे तन में ना सुखते सोवे लक्ष्मी चंद धर्म का गाना सो वैसे क्यों कोना के ठोड़े ठिकाना अरे सिर अपना और बोझ पहराना सिर अपना और बोझ पहराना मरे पड़ के ढोवेगी Yeah!
सजनो, ओ सुदामा बार बार अर्ज करता है, कहता कि दो दीवान एक बार जाके कहो तो सरी कि आपका यार आ रहा है सुदामा। तो डोडी वान ने सुदामा पर तरस आ जाता है और कृष्ण भगवान के पास पहुंच जाते हैं सुदामा को गेट पर खड़ा करके। और जाके जब खड़े हुए तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई डोडी वान क्या बात है? तो डोडी वान उस सुदामा के बारे में कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? एक खड़ा ब्रह्मण बारी ओ बारी सुदामा नाम बतावे से। एक खड़ा ब्रह्मण बारी ओ बारी सुदामा नाम बतावे से। एक खड़ा ब्रह्मण बारी ओ बारी सुदामा नाम बतावे। उसने एकदम गया खेत में, एकदम गया खेत में, करके आया खड़ा गेट में, आया खड़ा गेट में। दिख ज्ञान घना होशियारी होशियारी नूसरे आम बतावे से। एक खड़ा ब्राह्मण बारी ओ बारे तो जब डोडी वान ने ये बात कही श्री कृष्ण भगवान से तो श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब पिछली बात याद आई तो एकदम आंखें खोली, कहता कि भाई कैसा हो? तो डोडी वान उसका पूरा परिचय देता है कैसे। उसकी सुख रही से काया, भक्ति करके बदन सुखाया, रहा काम क्रोध ने मारी हो मारी थारे ते काम बतावे से। एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी सुदामा नाम बतावे से। एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी सुदामा नाम बतावे से। सजनो, अब कृष्ण भगवान समय खड़े हो जाते हैं और डोडी वान की तरफ देखते हैं तो डोडी वान डर जाता है। तो डोडी वान हाथ जोड़ के अर्ज करता है श्री कृष्ण भगवान से और क्या कहता है। मेरी तुम करियो माफ खता जी, मेरी करियो माफ खता जी, आ गया लाग्या दिशा पता जी, आ गया लाग्या दिशा पता जी। ओ थारे पहाड़ के पण का यारी हो यारी हाल तमाम बतावे से। एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी सुदामा नाम बतावे से। एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी सुदामा नाम बतावे से। Thank you.
भान का चेला से, गुरु चंद्र भान का चेला से, बचपन ते तेरे धोरे खेलिया से, बचपन ते तेरे धोरे खेलिया से, कर राम नाम परचारी परचारी, की रावड़ गाम बतावे से, एक खड़ा ब्राह्मण बारे हो बारी, सुदामा नाम बतावे से, एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी, सुदामा नाम बतावे से, एक खड़ा ब्राह्मण बारी हो बारी, सुदामा नाम बतावे से। तो सदनों बताते हैं, जब मालन की और जैनी चोर की आपस में ये बात हुई, तब मालन कहने लगी, भाई तेरी के रिश्तेदारी हटे तू आ रहा जो नू कहने लगा, अरे मेरी रिश्तेदारी तो से, अरे मेरी मौसी ब्याह राखी से, नू बोली भाई तेरी मौसी आ के नाम से, इब जैनी चोर ने दुर्गे माता का आशीर्वाद था, उस मालन की बातें कुछ फर्क ली, उस जैनी चोर ने नू कहने लगा, कह मेरे मन मन में कभी मेरी मौसी का नाम मेरी माँ बताया तो करती, पता नहीं के नाम से, तो मालन नू कहने लगी, भाई तेरी मौसी का नाम नथिया तो नहीं से, कि जैनी चोर ने सोचा कहीं ना खुद का नाम बताया से, नू कहने लगा हाँ मेरी मौसी का नाम नथिया इसे। जब इतनी बात सुनी मालन ने, तो उस जैनी चोर का सिर पुचकारा, नू कहने लगी, रे तेरा के नाम से, कह मेरा नाम गोदू कह दिया करें, सदनों असली नाम अपना जैनी चोर ने नहीं बताया, अपना नाम गोदू बता दिया, नू कहने लगी, रे बेटा मेरे तो गलती होगी, जब इतनी बात सुनी जैनी चोर ने मालन की, तो अपनी मौसी से के कहन लग गया, और उसकी मौसी वा के जवाब देने लगी, जो झूठी बन गई थी। तेरी तू लग से मौसी मेरी, मैं तेरी बहन का जाया, से मुसी मेरी मैं तेरी बहन का जाया, नहीं पिछड़ा गोधू बेटा ना पहलम भेद बताया, तेरी तो लग से मुसी मेरी मैं तेरी बहन का जाया, सुकंदरा में तने चोट कसुती मारी, तेरा भेद बताना बेटा की मेरी लाचारी, एरी मार कोलड़े खाल तार ली मेरी काया चस्के सारी, तेरी उड़ते घड़ी शर्मा दी मैं पापड़ हत्यारी, मेरे पांच अंगली लाई को नारी, मेरे पांच अंगली लाई को ना, मैं जिसने को देख लाया, मैं मेरे में आगी बेटा हाथ तेरे पकाया, तेरी तू लग से मुसी मेरी मैं तेरी बाण का जाया, मेरी बुझी को ना तू कितनी छो में आई, जन्म कलम ने के थुकेगी बाहर मेरी माँ जाई, तेरी मैं डट गया था तेरे बाग में बता चीज तेरी के ठाई, तेरा दोष नहीं था बेटा या अकल मेरी चकराई, अकल
लग्यारी मोसी के मिल ग्यारी मोसी मैं क्यों देना खोट सताया गैर समझ के रे बेटा तू तू लाग से मुसी मेरी मैं तेरी बहन का जाया नहीं पिछड़ा बोधू बेटा ना पहलम भेद बताया एरी चोर जारे बदमाशी के खतरे के लेरी सन्योड़ी धोखे में जा बात बनी ना मैं दुर्दिन की जाती बोली हेरी मैं तेरे दर्श करन आया तू ना बोली सोली तेरी ओर का दुख से बेटा मेरे लागी गम की गोली एरी आए गए अतिथि गेलरी आए गए अतिथि गेलिया जारियो की सरचाया चल घर चलेंगे बेटा भोजन भी न खाया तेरी तू लग से मोसी मेरी मैं तेरी बहन का जायारी मोसी मोसीरी बेटा बेटा रे मेरी मोसी मोसीरी मेरी बेटा बेटा रे एरी भोजन मन हवे मेरे बात कसुती गड़ी हुई कैसे कृष्णा तेरे मन में के तेरे बीमारी बड़ी हुई तेरी अगली खाकी कैद में एक पतिव्रता नारी पड़ी हुई नार महक दे उस पापी से अगली खाकी हड़ी हुई आके जैसी इब वक्त लकड़ी ग्यारी कह जैसी इब वक्त लकड़ी गया कुछ ना जाता गाया करपलिया हर की लिया ना भेद किसी न पाया तेरी तू लग से मोसी मेरी मैं तेरी बाण का जाया और वो सावित्री अपने पति को तलाश करती हुई सारे संसार में ब्रह्मांड में घूमती है लेकिन उसको अपनी जोड़ी का वर नहीं मिलता तो निराश होकर वापस घर की सुरती लगा लेती है लेकिन चलते चलते एक जंगल में सावित्री को एक पेड़ पर एक नौजवान लड़का लकड़ी काटता हुआ दिखाई दिया तो अरथ वहीं पर रखवा कर उस नौजवान के पास जाती है और क्या कहती है और वो लड़का क्या जवाब देता है तो दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं क्या बताया भला ओ उतरे पेड़ ते तड़े एक बे मन मेरा डटने आरे आरा क्यों खोब सटे मछली तारे हम लकड़ी कटने आरे उतर पेड़ ते तले एक बे मन मेरा डटने आरे आरा क्यों खोब सटे मछली तारे हम लकड़ी पटने आरे उतर पेड़ ते तले एक बे मन मेरा
मर्द का सिर एक दिन कट जा मेरे मलोटे में। अरे राजपाट का आनंद छोड़ के के फादा दुख ओचे में। तेरे साथ लाकड़ी डोलूंगी मैं रैल नफे और टोटे में। तेरी पतली कमरे जरा पे आ जाएगी से ज्यादा वजन भरोचे में। दुख की परवाह नहीं बीरने, दुख की परवाह नहीं बीरने। ओ बाल में रंग छाटने आले मैं अपने आप गरीब भला रे किसके दुख बटन आले। पुत्र पीड़ित तड़े एक बे मन मेरा डटने शादी करके जन्म कैद हो। शादी करके जन्म कैद हो जीना खाए हो यार करे। वो बिने शादी के मलंगा गाबरू ये उतलंगाड़े होया करे। अरे घर वासे में कुटुंब फैल जा जीना खाए हो यार करे। वो जिस घर में बहु बालक ना होवे बाल के मारे होया करे। कह चंद्र लाल भगवान भगत के, चंद्र लाल भगवान भगत के बिगड़े काम सटने आले। वो को दुनिया से एक जना परे लखा हो अटने आले। पुत्र पीड़ित तड़े एक पे कटिया बड़ी बोती सुनो।